आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या, अल्फा और बीटा है, ठीक है। थीटा अपने के पास 0 से लेकर के पाई बाय 4 के बीच है, यानी 45 डिग्री, एंड अल्फा अपने के पास छोटा है, बीटा अपने के पास ज्यादा है, ठीक है। तो दिस वैल्यू, इसका अपने पास वैल्यू निकालना इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास अल्फा और बीटा अपने पास दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन थीटा आया ना, और माइनस टाइम्स यहां से दे रखा है एक्स इंटू साइन थीटा इंटू अपने पास किस बराबर दे रखा है कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस टाइम्स ये दे रखा है कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यह अपने के पास क्या है, तो यह अपने के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स क्या है अपने के पास अल्फा और बीटा है, एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट्स अपने पास क्या है बीटा है। तो इनका वैल्यू अपने पास निकालना है। सबसे पहले अपने के पास क्या कर लेते हैं, हम रूट्स ही निकाल लेते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर अपने के पास इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसके बाद अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएंगे माइनस टाइम्स बी मतलब यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे साइन थीटा इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर अपने पास किस बराबर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स 4a, a की जगह अपने पास क्या है तो 4 इंटू 1 के बराबर, और इंटू सी की जगह अपने पास क्या है, तो सी की जगह अगर आप गौर से देखो तो 4 सॉरी a की जगह अपने पास साइन थीटा है, a की जगह अपने पास क्या है साइन थीटा, और इंटू अपने पास कॉस की ये बी सी की जगह क्या है कॉस थीटा के बराबर, हाँ या ना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 2a के बराबर, होल अपॉन में अपने पास जब हमारे पास ऑप्शन है तो सही से लिख लो, होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 2a के बराबर, किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ से आ गया अपने पास 2a, a की जगह अपने पास क्या है साइन थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत सॉल्व कर लो और कैलकुलेशन फास्ट करो, यहाँ से आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट प्लस इंटू अपने पास क्या है कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने के पास, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने के पास, यानी तो अपने के पास ये लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अपने के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ab के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो a ये है b ये है, ठीक है, 4a इंटू बी, ठीक है, यानी अपने पास यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम आपको फॉर्मूला लिख करके दिखा दिए, यानी ये अपने पास क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू अपने पास क्या है कॉस थीटा, और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 1, इन पूरे का अपने पास क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या लिख दिए, ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास क्या है तो होल अपॉन में बताओ, तो होल अपॉन में अपने पास 2 साइन थीटा के बराबर, तो 2 इंटू साइन थीटा के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करो, यहाँ पर जगह ही नहीं तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और यहां से आ गया अपने पास प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। किसी को इतराज हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो बताओ, होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 साइन थीटा के बराबर, 2 साइन थीटा के बराबर। यहां से अपने के पास क्या करो, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, प्लस लेने के बाद मान लेते अल्फा आता है, यहां से आ गया अपने पास किस बराबर साइन थीटा और इंटू अपने पास किस जाएंगे कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1, और प्लस टाइम्स यहां से आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बताएं तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपने पास सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करोगे तो ये प्लस 1 और माइनस 1 तो गया, थोड़ी से अपने पास कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा, क्या गया अपने पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ है ना, और होल अपॉन में अपने पास किस तरह जाएंगे तो साइन थीटा के बराबर, बल्कि 2 साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास ये और ये गया, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे तो कॉस थीटा के बराबर, ये आ गया अपने पास कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली माइनस लेते हैं तो यहाँ से अपने पास बीटा बताओ, बीटा आ गया अपने पास किस बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, ये आ गया माइनस, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो 2 साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना, यहाँ से अपने का जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, तो ये और ये तो पूरा गया, यहाँ से आ गया अपने 2 अपॉन में 2 साइन थीटा के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने किस बराबर कॉस थीटा के बराबर, सॉरी कॉस नहीं बल्कि अपने कॉस एक थीटा, क्या जाएंगे अपने पास
कॉस एक थीटा के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बताओ। तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास कॉस थीटा और बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास कॉस एक थीटा। हम कैसे मान लें कि अल्फा ही कॉस थीटा और बीटा ही कॉस एक थीटा है? तो यहाँ पर देख लो, अल्फा अपने के पास क्या दे रखा है, कम दे रखा है, और बीटा अपने के पास ज्यादा दे रखा है, यानी अपने के पास बीटा, ये जो कॉस एक थीटा अपने का जीरो और पाई बाई टू के बीच में ज्यादा होता है, और जीरो और पाई बाई टू के बीच में अपने पास कॉस थीटा क्या होता है, कम होता है। तो अल्फा इक्वल टू आ गया कॉस थीटा, बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास कॉस एक थीटा। वैल्यू अपने पास किसका निकालना, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना। चलो बताओ, अभी अपने के पास क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ, देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा, अभी अपने के सीक्वेंस एंड सीरीज भी लगेगा। सिग्मा बताओ किसका वैल्यू बताना है, सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर के, एन इक्वल टू अपने का जीरो से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अल्फा की पावर एन प्लस टाइम्स माइनस वन की पावर एन और अपॉन में एक्सर आ जाएंगे बीटा की पावर एन के बराबर, हाँ है ना। इसका वैल्यू अपने कैसे बताना है, माइनस टाइम्स वन अपॉन बीटा के पावर एन, यहाँ से अपने का सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एन इक्वल टू जीरो से लेकर के अपने कैसे क्या है इन्फिनिटी तक, अल्फा की पावर एन और यहाँ से आगे अपने कैसे प्लस टाइम्स सिग्मा एन इक्वल टू अपने कैसे जीरो से लेकर के कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, और माइनस वन की पावर में अपने कैसे आ जाएंगे एन और होल अपॉन में, यानी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो अपने कैसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस टाइम्स वन अपॉन बीटा की पावर अपने कैसे आ जाएंगे एन के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आगे एन इक्वल टू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये आ गया अपने पास अल्फा की पावर एन, तो यहाँ से अल्फा की जगह अपने पास है क्या, तो कॉस थीटा, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने के पास इसकी पावर एन और प्लस टाइम्स वन अपॉन बीटा, वन अपॉन बीटा अपने पास होता है साइन थीटा, यहाँ से अपने क्या जाएगा साइन थीटा, हाँ है ना, और इनकी पावर में एन के बराबर, लेकिन वो भी माइनस टाइम्स, वो भी अपने पास क्या जाएंगे माइनस टाइम्स, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लो क्योंकि सिग्मा भी तो लिखना है, ये भी माइनस टाइम्स, क्यों, क्योंकि अपने पास वन अपॉन बीटा, वन अपॉन बीटा अपने कैसे आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, और एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। अब अपने कैसे क्या कीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं और इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। देखिए अभी अपने के पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से अपने कैसे बताओ, सिग्मा एन इक्वल टू अपने कैसे जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, और यह अपने कैसे बराबर कॉस थीटा, और इनकी पावर में अपने कैसे आ जाएंगे अल्फा के बराबर, सॉरी इनकी पावर में अपने कैसे क्या है एन के बराबर, यहाँ से अपने कैसे वैल्यू पुट करते जाओ और अपने के पास इसको एक्सपेंड कर लो, तो ये आ गया वन के वन प्लस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे कॉस थीटा, नहीं जैसे जीरो पुट करेंगे तो वन प्लस टाइम्स कॉस थीटा प्लस टाइम्स ये किस बार आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स किस बार कॉस क्यू थीटा के बराबर, हाँ है ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने कैसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास इसका जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू वन हो जाएंगे और कॉमन रेशियो अपने कैसे किस बार हो जाएंगे, तो कॉस थीटा के बराबर, हाँ है ना, ए इक्वल टू वन हो गया और कॉमन रेशियो अपने कैसे किस बराबर जाएंगे कॉस थीटा के बराबर, यहाँ तक किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो अपने कैसे फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएंगे अपने के पास ए अपॉन में वन माइनस आर, तो वन माइनस आर मतलब कॉस थीटा के बराबर, यानी ये जो लिखा हुआ अपने के पास किसके बराबर लिखा हुआ बताओ, ये जो लिखा हुआ अपने के पास वन माइनस कॉस थीटा के बराबर। अब अपने के पास बताओ ये अपने के पास किसके बराबर है, तो सिग्मा एन इक्वल टू अपने के पास जीरो से लेकर के अपने के पास इन्फिनिटी तक माइनस टाइम्स ये किस बराबर हो जाएंगे कॉस थीटा नहीं बल्कि अपने के पास साइन थीटा, माइनस टाइम्स साइन थीटा और इनकी पावर में अपने के पास क्या है एन के बराबर, यहाँ से अपने का जैसे ही पुट करोगे तो वन माइनस टाइम्स अपने कैसे वन पुट करोगे तो किस तरह जाएंगे, तो कॉस साइन थीटा के बराबर, अब एक कॉस बार बार क्यों आ रहा है, क्या अपने कैसे साइन थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स ये किस तरह जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने कैसे जाएंगे तो साइन क्यू थीटा के बराबर, हाँ है ना, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहाँ से अपने कैसे इसका कॉमन रेस ए अपने कैसे तो वन आ गया, कॉमन रेशियो अपने कैसे किस तरह हो जाएंगे, तो आर इक्वल टू आ गया अपने कैसे माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे इस पूरे का सम बताओ, इन पूरे का जो सम हो जाएगा वो अपने कैसे ए ए मतलब अपने कैसे वन और अपॉन में एक सौ आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन थीटा, वन माइनस टाइम्स आर के बराबर, तो वन माइनस माइनस प्लस आएगा तो वन प्लस साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे, यानी इसका जो सम हो जाएगा वो अपने कैसे इसके बराबर। क्वेश्चन से ये नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन से पूछ रखा इन पूरे का अपने के पास सम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास दिस और प्लस टाइम्स दिस, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताओ अभी कहाँ आ गया, ठीक है, यह अपने के पास इन पूरे का क्या पूछ रखा है, सम पूछ रखा है, ये आ गया अपने के पास दिस प्लस दिस, बताओ दिस प्लस दिस इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास वन अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा और प्लस टाइम्स अपने कैसे आएंगे वन अपॉन में वन प्लस साइन थीटा के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने कैसे इसके बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो वन माइनस कॉस थीटा और अपॉन में प्लस टाइम्स वन प्लस साइन थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पर देख लो अच्छे खासे क्वेश्चन थे, इसमें अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने का सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला लगा, फिर अपने का ट्रिग्नोमेट्रिक लगा थोड़ा बहुत, उसके बाद अपने का फिर से एपीजीपी लग गया, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये थे अपने के पास जेईई मेंस के
11 जनवरी 2019 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेस्ट है, हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।